हेलो हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा देसाई। सो इस वीडियो में हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप डिस्कशन का फर्स्ट राउंड होता है वो हमें कैसे क्लियर करना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा बहुत डर लगता है या फिर वो कैसे क्रैक करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। सो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका फर्स्ट राउंड होता है, जो कि आप अगर ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में जाते हो या फिर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जाते हो, तो ग्रुप डिस्कशन ये आपका फर्स्ट राउंड होता है, जिनमें कभी कभी 5 कैंडिडेट्स, कभी कभी 10, कभी कभी 15 कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाते हैं और आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उस टॉपिक के बोलना होता है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी है आपको बोलना होता है। बिकॉज और ग्रुप डिस्कशन राउंड होता भी इसलिए ताकि वो चेक कर सके हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आप कैसे बात करते हो, आप कैसे इंटरैक्ट करते हो, तो इसीलिए बेसिकली वो राउंड होता है। तो मेन चीज़ रहती है कि जब भी आप पहले रूम में एंटर करते हो, सो जस्ट बी काम एंड कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। ओके, आपको ऐसा नहीं दिखाना कि आप नर्वस हो या फिर आप डरे हुए हो। अगर आप डरे हुए रहते हो ना, तो जब भी आप बात करते हो तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए आप एक फेस पे एक अच्छा सा स्माइल रखना। अगर आपको चांस मिलता है तो यू कैन जस्ट विश टू योर कलीग्स, टू योर इंटरव्यूअर्स, यू कैन से देम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर यू कैन से, और फिर वो आपको एक टॉपिक देंगे। तो वन बाय वन या तो आपको पूछेंगे या फिर वो ऐसे भी बोल देते हैं कि हाँ जिसको बोलना है जस्ट रेज हैंड एंड टॉक, तो ऐसा आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो है स्माइल रखना फेस पे, दूसरी चीज़ जो है वो है ग्रीट करना, तीसरी चीज़ है वो है कि देखो ग्रुप डिस्कशन में एक या दो लोग नहीं रहते, बहुत लोग रहते, तो अगर कोई बोल रहा है तो आप उनको कट करके बीच में नहीं स्टार्ट करना है, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनली गुड। तो आपको जस्ट वेट करना है कि सामने वाला उनकी बात ख़त्म करे और उसके बाद में जाके आप अपना पॉइंट रखना है वहाँ पे। और ये भी चीज़ याद रखना कि आप जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे वो वर्ड्स उनका जो भी अटेंशन है वो ग्रैब करना चाहिए। बिकॉज देखो मैं मेरा खुद का मतलब बताऊँगी कि मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, मेरे दोनों एयरलाइंस के इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन ये फर्स्ट राउंड था और दोनों भी टाइम पे मोर देन 15 लोग उन्होंने अंदर भेजे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड था और सभी को सेम ही क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे याद है हमें पूछा था जस्ट इंट्रोडक्ट लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और हम जो भी लोग थे आई गेस हम लोग 18 या 20 कुछ लोग थे और उनमें से उन्होंने बस हमें 3 लोगों को ही सिलेक्ट किया। सो यू नीड टू प्रिपेयर योर आंसर लाइक दैट कि ये 10 लोग खड़े हैं फिर भी उन्होंने आपको क्यों सिलेक्ट करना है। सो जो भी आप वर्ड्स यूज़ करोगे वो मतलब अच्छे से वर्ड्स यूज़ करना जो आपको डिस्क्राइब करें। जो मैं सेकेंड इंटरव्यू था उसमें मुझे सब्जेक्ट दिया था जस्ट कि आपका जो होम टाउन है तो आपके होम टाउन के बारे में बोलना है, और हम जस्ट सर्कल में बैठे हुए थे एंड देन मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया बिकॉज हाँ मुझे पता था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो जस्ट टेक योर टाइम फर्स्ट, ठीक है, जस्ट टेक योर टाइम एंड देन यू कैन स्टार्ट, बट वेन एवर यू विल स्पीक जस्ट स्पीक इट क्लियर एंड लाउडर, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नर्वस हो जाते हैं और वो बात नहीं कर पाते। तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको जो भी है वो क्लियरली और लाउडली बोलना है ताकि सब लोग खड़े हैं तो सबको वो सुनाई दे। और एक चीज़ है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप जितना ज़्यादा बात करोगे उतना अच्छा है या फिर उसी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं होती है। आप कितना बोलते हो उससे ज़्यादा आप क्या बोलते हो और आप कैसे बोलते हो इस पे डिपेंड करता है कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द ग्रुप डिस्कशन।
और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना है, आपको ट्रेनिंग के डेज पे कैसे अटायर में जाना है, वो जो भी वीडियोज़ है उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगी। बट फिलहाल के लिए मेन मेन पॉइंट्स मैंने ये वीडियो में बता दिए हैं। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट रहेगा देन प्लीज़ मेंशन इट ऑन द कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।